कौन सा टूथपेस्ट यूज कर रही है, जरा देखो इससे पूछो एक बार। पंतजलि, पतंजलि की पंतजलि, पतंजलि नहीं पंतजलि। नहीं, मेरा एक फ्रेंड हमेशा ही पंतजलि बोलता, बोला तुमसे पंत जी सुन लिए ना ये बात। हेलो एवरीवन, वेलकम टू होप इंस्टीट्यूट। आई होप सबके भले चंगे होंगे, है कि नहीं? जैसे इसका दांत दिख रहा है वैसे सारे लोगों का भी दांत दिख रहा होगा, एकदम खूबसूरत सा। थोड़ा थोड़ा दाग धब्बा होगा आपके दांतों में, इनके दांत में नहीं है कोई, तो थोड़ा सीखो आप इनसे। तो हम लोग अभी होप इंस्टीट्यूट के कैंपस में झारखंड का सेशन स्टार्ट किए हैं, और इसमें यूनिक ये है कि ये झारखंड फुल्ली इंग्लिश मीडियम में हो रहा है, हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। बस इसमें यह देखना है कि झारखंड में जो डेटा है वो आपको कितना याद रख पाता है, क्योंकि झारखंड का एग्जाम हमेशा फैक्ट बेस्ड होता है। थ्योरी बहुत से बुक्स में लिखा हुआ है उसका कोई मतलब नहीं है, थ्योरी होते रहेगा, मिलते रहेगा थ्योरी, वो समझने के लिए होता है, लेकिन आपसे पूछा तो जाएगा फैक्ट्स, तो हम लोग फैक्ट्स पे कमांड कर रहे थे। तो थोड़ा सा पहले का रिकैप लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, और आपके सामने एक बैनर भी लगा हुआ होगा, अभी सामने देखो जरा, झारखंड जीएस स्पेशल इन होप इंस्टीट्यूट, झारखंड संपूर्ण सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान बोलो या सामान्य अध्ययन बोलो, ये दोनों ही चलेगा, क्योंकि इसमें सामान्य ज्ञान अभी हो रहा है, इसके बाद जब करंट अफेयर्स एड हो जाएगा तो वो सामान्य अध्ययन बन जाएगा। टाइम 12 PM डेली, बट ये 10 मिनट लेट होता है आप लोग के चलते, कुछ लोगों का कॉलेज होता है इसलिए लेट किया जा रहा है जानबूझ के इसको। आप यहां पे देखो, उसके बाद ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही सुविधाएं आपको मिल रही है, और ये मिलते रहेगा, बट थोड़ा सा कल के बाद से मॉडिफाई हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज ये देखने को मिलेगा कि कल के बाद से ये क्लास पेड हो जाएगा। अभी तक ये पौधा था, इससे पहले कल के बाद से पेड़ हो जाएगा। हाँ, फल भी देगा इसके बाद, जब JSSC का वैकेंसी आएगा, एडवर्टीजमेंट आएगा, तो फल भी देना शुरू करेगा। अभी तक ये पौधा है, तो कल के बाद से, कल तक ये पेड़ नहीं बन पाएगा, कल के बाद से पेड़ या पेड़ आप इसको जो समझो ये हो जाएगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा रिकैप देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। तो हम लोग अब इसमें देख रहे थे, झारखंड का इंट्रोडक्शन हो गया फाइनली, झारखंड का पॉलिटी शुरू किए थे। पॉलिटी में हम लोग पहले इसको डिवीजन किए कि पॉलिटी में अगर देखा जाए किसी भी स्टेट को चलाने के लिए तीन चीजों की मिलनी जरूरत पड़ती है। एक सबसे पहले क्या था वो, लेजिस्लेचर, देन एग्जीक्यूटिव, और तीसरा चीज जुडिशियरी। अब चूंकि लेजिस्लेचर का काम बहुत बड़ा हो जाता है, काम संभालने के लिए हम लोग लोकल गवर्नमेंट को भी असेंबल करते हैं यहाँ पे। अब लोकल गवर्नमेंट में कौन कौन आता है, अर्बन इलाके के लिए अलग और रूरल इलाके के लिए अलग, ऐसा कुछ हुआ था। तो हम लोग लेजिस्लेचर में चल रहे थे, जहां गवर्नमेंट का लिस्ट, गवर्नमेंट फर्स्ट गवर्नमेंट कौन, झारखंड में अभी तक कितने गवर्नर हुए हैं, उनका टेन्योर क्या रहा, उनसे संबंधित रिलेटेड फैक्ट्स क्या क्या थे, इनको देखे। इसके बाद हम लोग देखे झारखंड लेजिस्लेचर में कि झारखंड विधानसभा से संबंधित क्वेश्चंस, हाउ मेनी सीट्स इन झारखंड विधानसभा, झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड, इस तरह का देखे हम लोगों ने।
अब आज हम लोग देखेंगे कि हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड एंड हाउ मेनी सीट्स आर नॉट रिजर्व्ड एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ झारखंड इन पार्लियामेंट, ये भी हम लोगों ने देखा। अब मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, हाउ मेनी सीट्स इन झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली? 81 और 82? 81 प्लस 1 82। तो अगर हाउ मेनी सीट्स कभी पूछा जाए तो आप 82 बोलोगे। हाउ मेनी इलेक्टेड सीट्स इन झारखंड विधानसभा? 81, यहां पे आंसर 81 होगा। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड इन झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली? हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड इन झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली? 37। थोड़ा भी रिवीजन कर रहे होगा तो पता होगा, और क्वेश्चंस का वेरिएशन क्वेश्चन सेटर ऐसा ही आपको देने वाले हैं। लॉलीपॉप क्वेश्चन नहीं दिखता झारखंड में, अब क्वेश्चन थोड़ा सा वॉश किया हुआ होता है, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिक किया हुआ रहेगा आपके सामने। अब डायरेक्टली क्वेश्चन आपको नहीं दिखने वाला, सीधा सीधे पूछ दिए। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड? 14। लो 37। अच्छा इधर से एक गिर बताओ, अदिति बताओ कितना? 43। 37। हाउ? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड, अगर यहां पे ये वाला ऐड नहीं किया जाए वर्ड एसटी और एसटी, तब आप 37 आंसर दोगे, क्योंकि उसमें रिजर्व तो दोनों आए ना, एसटी के लिए जो रिजर्वेशन दिए 100 और एससी के लिए जो रिजर्वेशन दिए 100, दोनों ही रिजर्व हो गए आपके लिए। एंड क्वेश्चन का सेकेंड फॉर्म, हाउ मेनी सीट्स आर नॉट रिजर्व्ड या अनरिजर्व्ड इन झारखंड? 44। तो क्वेश्चन के पैटर्न पे, क्वेश्चन के स्टेटमेंट को थोड़ा सा पढ़िएगा, समझिएगा, शब्दों के खेल को समझिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही वैरी करता है। और हम लोग हड़बड़ी में जब होता है, दिमाग में थोड़ा प्रेशर होता है चूंकि एग्जाम हॉल में, तो हम लोग गलती कर बैठते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक देखा था झारखंड के गवर्नर्स का लिस्ट कंप्लीट हो चुका है, आज हम लोग देखेंगे झारखंड के सीएम्स का लिस्ट। अभी तक झारखंड में कितने सीएम हुए हैं और उनका क्या क्या टेन्योर रहा, उनसे संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहा, पहला टॉपिक होगा हमारा। दूसरा टॉपिक होगा हमारा, झारखंड में कौन कौन सा लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, वो किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में है, और कौन कौन से लेजिस्लेटिव असेंबली को मिला के किसी एक पर्टिकुलर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया गया है, ये तीन चीजें हम लोग देखेंगे। आपके सामने मैं लिस्ट दिखाता हूं झारखंड के सीएम्स का, लिस्ट कौन कौन है। झारखंड के सीएम का लिस्ट हेडिंग बनाओगे आप हेडिंग बनाओगे लिस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर्स इन झारखंड, लिस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर्स इन झारखंड, लिस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर्स इन झारखंड। जो हिंदी में लिख रहे होंगे वो लिखेंगे झारखंड में मुख्यमंत्रियों की सूची, हिंदी में आप लिखेंगे झारखंड में मुख्यमंत्रियों की सूची, झारखंड में मुख्यमंत्रियों की सूची। झारखंड में मुख्यमंत्रियों की सूची, देखो ये लिखना काफी आसान है, आपको बोलोगे तो पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ये कोई बड़ा काम नहीं है, बस इसको अभी समझ लो। पहले एक बार हम लोग समझने पर जोर देंगे और लिखने वाला काम आज से कम करेंगे, आपको पीडीएफ, आपको इमेज प्रोवाइड किया जाएगा, इससे संबंधित रिलेटेड फैक्ट्स जो होंगे वो मैं बताऊंगा, बाकी डेटा आप खुद से लिखना शुरू करोगे। अब जरा आइए, आपको मैंने पहले भी बताया था, जब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताया जा रहा था तो आपको बताया गया था कि हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, बाबूलाल मरांडी। अब उनसे रिलेटेड फैक्ट्स, बाबूलाल मरांडी, इनका इमेज आप बगल में देख सकते हो, ये बाबूलाल मरांडी कब से कब तक रहे, इनका टेन्योर क्या था, आप जरा देखो 15 नवंबर 2000 से 18 मार्च 2003 तक। क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाएंगे आपसे भी कि कोई भी एक पर्टिकुलर सीएम का नाम देके आपसे पूछ लिया जाएगा कि उनका टेन्योर क्या था, कम से कम फर्स्ट बार जो बने थे, फर्स्ट बार जो बने थे उनका कंस्टिट्यूएंसी क्या था, यह पूछा जा सकता है। अभी रिसेंट में जो है उनका कंस्टिट्यूएंसी पूछा जा सकता है, जो काफी विवादों में घिरे रहे उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछा जा सकता है,
अक्सर क्वेश्चन उनका बनता है जो विवादों में घिरते हैं, जो कोई बहुत अच्छा काम करके जाते हैं, जैसे रघुवर दास, एकमात्र सीएम जिन्होंने अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट किया, तो क्वेश्चन बनने का खूब चांस बनता है उनसे। बाबूलाल मरांडी, चूंकि ये फर्स्ट सीएम थे, क्वेश्चन बनने का खूब चांस बनता है। शिबू सोरेन, सबसे ज्यादा बार सबसे ज्यादा टाइम्स तक रहे, तो उनसे क्वेश्चन बनता है। शिबू सोरेन सबसे कम दिनों के लिए रहे, उनसे क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चंस वहीं से बन के निकलता है जो एक्सेप्शनल होता है, जो थोड़ा ट्रिकी होता है, जनरल क्वेश्चन नहीं बनाया जाता है कभी भी। आप आ जाओ, पहले इसको समझ लो अच्छे से, कैसे कैसे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर रीजन से पूछा जाएगा। नंबर वन, बाबूलाल मरांडी, इसका इमेज आप देख सकते हो, यहाँ सामने पड़ा हुआ है बाबूलाल मरांडी। अच्छा, ये मुझे बताइए जरा, आप क्या फर्स्ट टाइम वोटिंग हुआ था, इलेक्शन हुआ था? नहीं, तो कैसे बता रहे हो कि इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी रामगढ़ था? नहीं, ये तो बिहार से कट के बना था, कि नहीं बना था साहब? तो जब ये बिहार से कट के बना था, तो बिहार में झारखंड घुसा हुआ था उस समय, झारखंड में कहीं ना कहीं विधानसभा के क्षेत्र होंगे कि नहीं होंगे, तो उसी समय के, ये बिहार का कॉन्स्टिट्यूएंसी था ऑन दैट टाइम जब ये बाबूलाल मरांडी यहाँ के सीएम बने थे, तो वो उस समय रामगढ़ से थे। लेकिन अब मैं आपको इनसे रिलेटेड फैक्ट्स बताता हूँ। जब बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बने थे, तो ये कहीं के भी ये एमएलए नहीं थे। बाकी लोग संयुक्त बिहार के थे, बाकी मिनिस्टर्स, जैसे आपको कल मैं मिनिस्टर्स का लिस्ट बताया था, वो बिहार से थे, ये कहीं से नहीं थे। पहले ये मुख्यमंत्री बने, बाद में बाई इलेक्शन हुआ, उपचुनाव हुआ, और ये रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत हासिल किए थे। ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ऑन द ऑथ ऑफ बाबूलाल मरांडी एज सीएम, ही वाज द एमएलए ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूएंसी? सीएम कहीं के, सीएम जो बने थे ये, उस समय कहीं से भी ये एमएलए नहीं थे, बाद में एमएलए बने थे। कब? जब उपचुनाव हुआ था, तब ये रामगढ़ से जीते थे। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है बात? हम आपको क्या बताना चाह रहा है कि जब ये मुख्यमंत्री बने थे, उस समय ये कहां से थे? कहीं से नहीं थे, कहीं से एमएलए नहीं थे, एमएलए थे ही नहीं वो। बाद में रामगढ़ से उपचुनाव होकर ये जीत गए और मुख्यमंत्री का पोस्ट रह गया। आपको ये पता होना चाहिए कि गवर्नर किसी को भी सीएम बना सकते हैं, बट विद इन 6 मंथ उनको अपने आप को ये साबित करना होगा, या कहीं के बाई इलेक्शन में, उपचुनाव में, उनको अपना वो एमएलए का सीट लेके आना पड़ेगा। अगर वो एमएलए का सीट लेके नहीं आ पाते, नहीं जीत पाते हैं, तो उनसे उनका जो ये सीएम का चेयर है वो छीन लिया जाएगा, वो सीएम नहीं रहेंगे, अपॉइंट नहीं किए जाएंगे फिर। क्लियर है ये बात? जैसे ठीक ऐसा ही होता है सेंट्रल में भी, प्रेसिडेंट किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं, किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, बट उनको एमपी बनना पड़ेगा, या तो राज्यसभा से या तो लोकसभा से, कहीं से भी एमपी बनना पड़ेगा। तो यहां पे याद रखने वाला बात ये हो गया, बाबूलाल मरांडी से संबंधित एक फैक्ट, कि ये कहीं से एमएलए नहीं थे, बाद में बाई इलेक्शन में रामगढ़ से हो गए। इनका कार्यकाल, इनका टेन्योर क्या रहा? इनका टेन्योर रहा 15 नवंबर 2000 से, क्योंकि फर्स्ट डे ही बने थे ये, 18 मार्च 2003 तक इनका कंप्लीट टेन्योर हो गया 2 साल 123 दिन का, 2 साल 123 दिन, याद रहेगा डेटा, कोई दिक्कत? अब आइए, ये फर्स्ट या इंटरिम इसको बोला गया, क्योंकि यहां इलेक्शन नहीं हुआ था, फर्स्ट वाले टाइम इलेक्शन नहीं हुआ, तो इसको इंटरिम बोला जाता है। जब कोई इलेक्शन, इसको इंटरिम को हिंदी में होता है अंतरिम, जो लोग हिंदी में लिखोगे, इंटरिम को हिंदी में लिखा जाता है अंतरिम। अंतरिम का मतलब होता है अभी अंतिम नहीं हुआ है, इसके बाद कुछ और भी है, अंतरिम। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? अब आते हैं दूसरे मुख्यमंत्री के पास। इनके बाद सेकेंड नंबर का मुख्यमंत्री कौन हमारे यहां बने, सीएम बने? अर्जुन मुंडा, और ये खरसावा कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए बन के आए थे, और इनका टेन्योर रहा था 18 मार्च, जब वो छोड़े थे 18 मार्च को, ये 18 मार्च को बने, 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक। क्लियर रहेगा डेटा? ये 1 साल 349 दिन, कोई बात, कोई दिक्कत इसमें? शिबू सोरेन तीसरा नंबर का मुख्यमंत्री, डिड नॉट कंटेस्ट का मतलब क्या हुआ? इलेक्शन में भाग नहीं लिए थे, बन गए थे मुख्यमंत्री ऐसे ही, और बाद में जीत भी नहीं पाए थे। 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 दिन, कितना दिन हुआ? डेटा गलत है, 11 दिन होगा, डेटा गलत है, 11 दिन होगा, इसको थोड़ा सा एडिट कर लेना। अब बोलोगे 11 दिन कैसे? हाँ, 2 को ऑफिस ज्वाइन किए, 12 तक रहे जाके,
11 दिन होगा। हाँ रीजनिंग पढ़े हो, नंबर ऑफ डेज कैसे निकलता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कैसे निकलता है रैंकिंग में, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस वन, 11 डेज याद रखना बस। आगे इससे संबंधित क्वेश्चन बताएंगे। इसके बाद फिर से सेकेंड टाइम बन रहे हैं आपके अर्जुन मुंडा, फर्स्ट टाइम कब बने थे 2003 में, बीच में शिबू सोरेन आए और उसके बाद अर्जुन मुंडा फिर से आ गए। अब ये कहां से जीते हैं, खरसावा से, लास्ट टाइम भी ये खरसावा से ही थे, लास्ट टाइम भी ये खरसावा से थे, अभी भी ये खरसावा से है। अब ये मत समझ लीजिएगा आप कि यही वाला इलेक्शन में ये फिर से आ गए, नहीं, ये फर्स्ट इलेक्शन का काम खत्म हो चुका है चूंकि आप 2005 को क्रॉस कर चुके हो। तो ये फर्स्ट टाइम खरसावा से विधायक थे, एमएलए थे, सेकेंड टाइम भी खरसावा से ही विधायक बने थे अर्जुन मुंडा, सेकेंड टाइम खरसावा से बने, 12 मार्च 2005 से लेके 19 सितंबर 2006 तक रहे, 1 साल 191 दिन। उसके बाद आते हैं मधुपुरा, कौन फोटो कैसा लग रहा देखने में बताओ, मूछ किसका होता है, मैं मूछ किसका होता है, इनकी वाइफ का नाम है गीता कोड़ा, उनसे पूछना बताएगी तुमको। ये जगन्नाथपुर से एमएलए थे और ये झारखंड के पहले इंडिपेंडेंट यानी कि निर्दलीय सीएम बन पाए थे और आज तक न इनके बाद कोई बना और न इससे पहले कोई था। 19 सितंबर 2006 से लेकर 27 अगस्त 2008 तक, क्लियर है, क्या हुआ, हाँ कोई कर ही नहीं पाया था कंप्लीट। देखो इनको मात्र 11 दिन में लुढ़क गए बेचारे। अब ऐसा अगर बोलते हो, भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताओ जो सबसे कम कार्यकाल के लिए चुने गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन, 13 दिन से कम कोई नहीं। इमरजेंसी का अलग काउंटिंग होता है, चलो यहां जाओ। उसके बाद अब देखो, इसके बाद तीसरी बार फिर से शिबू सोरेन आ रहा है। शिबू सोरेन का कहानी देखिए आप कि एक ही इलेक्शन में, 2005 वाले इलेक्शन में एक बार बिना जीते हुए बन गए, दूसरी बार बिना जीते हुए बन गए, दो दो बार कुर्सी के लालच में पहुंच गए थे। आपको मैं बता दूं, यहां के पहले बहुत ही ज्यादा उथल पुथल था झारखंड में, थोड़ा स्थिरता लेके आए हैं। जब होता क्या था एक्चुअली, ये रीजन आपको क्यों दिख रहा है कि किसी का टेन्योर कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि कभी भी गवर्नमेंट फुल फ्लेश्ड होती ही नहीं थी, वो बहुमत में होती ही नहीं थी, मेजोरिटी था ही नहीं इनके पास, ये तो कोलिशन का सरकार होता था, तीन चार सरकार मिलकर, तीन चार पार्टी मिलकर सरकार बना ली, जैसे अभी चल रहा है। अभी आपको बताया जाएगा कि इस बार का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें बीजेपी का कितना सीट है, जेएमएम के पास कितना सीट है, अभी ये सब करंट अफेयर का टॉपिक है। अब आ जाओ इसके बाद, शिबू सोरेन का वैकेंट यानी प्रेसिडेंट टूल लग गया 19 जनवरी 2009 से 30 दिसंबर 2009 तक, 345 दिन का, और मैं बताऊं सबसे ज्यादा टाइम तक लगने वाला प्रेसिडेंट रूल यही है झारखंड में। अब पढ़ने वाला क्वेश्चन यहां से, झारखंड में पहली बार प्रेसिडेंट रूल कब लगा, 2009 में। झारखंड में अभी तक कितनी बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है, 3 बार, देखना कहां कहां, एक बार यहां, आगे आओगे 2010 में फिर मिलेगा और 2013 में एक बार फिर से दिखेगा आपको। तो ये चार्ट दिखाने का मेरा मकसद यही है कि इस चार्ट से कैसे कैसे क्वेश्चन निकाला जा सकता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री कौन रहे, जरा देखिएगा आप लिस्ट में, बाबूलाल मरांडी 1 बार, क्या आगे कभी किसी लिस्ट में इनका नाम है, नहीं है, बाबूलाल मरांडी 1 बार। आप आ जाइए इनके साथ, अर्जुन मुंडा के साथ, अर्जुन मुंडा 1 बार, यहां दूसरा बार इनका चेहरा दिख रहा है, और यहां पर देखोगे 1 बार और जाके, 3रा बार इनका फिर से चेहरा दिख रहा है, और तीनों ही बार खरसावा से रहे थे एमएलए। क्वेश्चंस पे गौर कीजिएगा, शब्दों पे गौर कीजिएगा थोड़ा, तीनों ही बार खरसावा से रहे थे। आपसे पूछा जाएगा कि जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे अर्जुन मुंडा, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए बन के आए थे, खरसावा, दूसरी बार खरसावा, तीसरी बार खरसावा। आइए आप ऐसे ही एक और करामात करने वाला महानुभव यहां पे है, बहुत बड़ा बड़ा काम होता है झारखंड में, सब छोटा मोटा घटना है। शिबू सोरेन, देखिएगा शिबू सोरेन पहली बार कब बने, 2005 में पहली बार बन गए, लेकिन वो किसी पार्टी से, मतलब कहीं से चुनाव नहीं जीत पाए थे, फिर भी बन गए। दूसरी बार फिर से 2008 में बने, चुनाव नहीं जीते, और तीसरी बार जामताड़ा से जीत के आए थे वो, 3 बार। अब पूछा जाएगा, फर्स्ट टाइम जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो कहां से थे एमएलए, कहीं से नहीं।
अब तुम बुक उलट उलट कर देखते रह जाना, इस तरह का डेटा इस तरह से कहीं भी एक्सट्रैक्ट करके क्वेश्चन तुमको नहीं मिलेगा, और क्वेश्चन का फॉर्मेशन ऐसा ही होता है। डेटा मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि ये भी हम किताब से ही निकाले हैं। आप आ जाओ इसके बाद बनने वाला क्वेश्चन, शिबू सोरेन कितने बार रहे मुख्यमंत्री? 3 बार। अब सेकेंड नंबर में कौन आता है? ये तो तीन तीन बार वाला हो गया, तीन तीन बार वाला दो आदमी, एक अर्जुन मुंडा और दूसरा शिबू सोरेन। अर्जुन मुंडा तीनों ही बार खरसावां से, और शिबू सोरेन एक बार जामतारा से और दो बार कहीं से नहीं। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? अर्जुन मुंडा को। हाँ, अब आगे बनने वाला क्वेश्चन, सबसे कम दिनों के लिए मुख्यमंत्री कौन रहे? शिबू सोरेन। कितना दिन? 11 दिन। 10 दिन 11 दिन उसको रखना। और सबसे ज्यादा दिन के लिए कौन? 5 साल 1 दिन। अब बोलोगे 5 साल 1 दिन कैसे हो गया, 5 साल का तो टेन्यूरे है ना। देखो 28 दिसंबर 2014 को ये अपना सीट ज्वाइन किए, उसको प्रभार में आए, और 29 दिसंबर 2019 को हेमंत सोरेन से प्रभार लिए। तो 29 दिसंबर को मान के चलो कि 11 बजे ऑफिस गए होंगे, या 10 बजे 12 बजे जो भी गए होंगे, तो 29 दिसंबर को ही गए होंगे ना, और ये 11 बजे पेपर पे साइन किए। तो 11 बजे जब ये साइन किए, उससे पहले तो ये मुख्यमंत्री है, उसके बाद मुख्यमंत्री चेंज हो गए, तो 29 तारीख को दो दो मुख्यमंत्री आपके यहाँ हो गए। 29 को ये भी है, 29 को ये भी है, ठीक, 28 को यहाँ भी, 28 को यहाँ भी, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है डेटा। तो ये 29 तारीख को भी हाफ टाइम तो काउंट करेंगे ना, ठीक है, 12 बजे इनको साइन करना था, 12 बजे के पहले कोई फैसला ले सकते थे ये, तो ये ऐसे होगा। तो ये सबसे ज्यादा दिन रहे, क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपसे 5 साल 1 दिन ऑप्शन बना के कभी नहीं मिलेगा। अगर मिलना रहा तो वो आपसे टेन्योर पूछेंगे, ये वाला 28 दिसंबर 2014 से 29 दिसंबर 2019 तक। टेन्योर किसका किसका याद रखोगे, हम अभी फिर से इसके बाद बता देंगे। इसके बाद हेमंत सोरेन कितनी बार, हेमंत सोरेन चूंकि करंट में है तो आपसे पूछे जाने वाला क्वेश्चन का वेरिएशन बढ़ जाएगा हेमंत सोरेन से। हेमंत सोरेन अभी तक कितनी बार मुख्यमंत्री रहे? 2 बार। एक बार तो 19 में, और इससे पहले कब? 13 में, जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 2013 में, वो किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए रहे थे? दुमका से। और अभी कहां से? अभी दोनों ही जगह से ये जीते थे, दुमका से भी जीत लिए थे, बरहेट से भी जीत लिए थे। दुमका का सीट इन्होंने खाली कर दिया, दुमका से इन्होंने रिजाइन दे दिया, अब बरहेट से रह गए। क्लियर है? कोई दिक्कत? इतना डेटा आपको याद रखना है इनके बारे में। अब आगे समझने वाला चीज, किसका किसका याद रखोगे टेन्योर? पहले बाबुल मरांडी का, दूसरा अर्जुन मुंडा का, जितना बार ही बने हैं वो सब कुछ हम अगले क्लास में पूछेंगे भी। उसके बाद मधु कोड़ा का याद रखना, शिबू सोरेन का कम से कम ये वाला जरूर ही याद रखना, जो 12-11 दिन वाला बने थे, 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 वाला, ये वाला डेटा जरूर याद रखना। हो गया? इसके बाद टेन्योर आप किसका याद रखेंगे? रघुवर दास का, ठीक है। और एक टेन्योर और याद रखना हेमंत सोरेन का, क्योंकि ये करंट में है ना, तो इनसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे। ये वाला तो आपको याद रहेगा कि 29 दिसंबर 2019 से शुरू होके टिल नाउ अभी भी है, लेकिन इससे पहली बार जब, इससे पहले जब बने थे तो क्या हुआ था इनके साथ, करंट क्या है, कौन सा आज का डेट है? हाँ आज का डेट है, जब रिकॉर्ड हम निकाल रहे हैं इसका, तब का डेट है। इसको इसको मत याद, ये खत्म करो, इसको इसको जरूरत नहीं है आपको अभी। अब आगे 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 इसके बाद का क्वेश्चन देखिएगा, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, इस लिस्ट से क्वेश्चन कई तरह से और निकलेगा, अभी कब तक रहेगा कोई नहीं जानता है, हो सकता है कल सरकार गिर जाए, कौन जानता है इसको, या हो सकता है 500 खींच तीर के पूरा कर भी ले, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ नहीं चलेगा 5 साल, अब ऐसे बोलोगे कैमरा पे आकर तो दिक्कत ना है। आगे आइए, अभी जो आप मुख्यमंत्री देख रहे हैं हेमंत सोरेन, ये कितने नंबर के मुख्यमंत्री हैं? प्रेसिडेंट रूल काउंट नहीं होता, जरा देखिएगा, काउंटिंग कीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 नंबर के, सीरियल नंबर में 11, लेकिन पर्सनैलिटी वाइज कितना, बहुत से लोग का रिपीट हुआ है, कौन कौन रिपीट हो गए जरा देखिएगा, डेटा कैसे निकालेंगे हम लोग अभी। आप तो 11 देख लिए,
11 में तीन बार से बोझ ऋण, दो बार माइनस करोगे, कितनी बार माइनस कर दोगे उसको, तीनों बार माइनस कर दोगे, एक बार तो रहने दोगे ना उनको पर्सनैलिटी, एक पर्सनैलिटी काउंट करो, जैसे एक इंसान तीन बार सीएम बन गए तो दो बार नहीं घटाओगे, एक बार तो पर्सनैलिटी वाइज काउंट करोगे उनको। फिर आइएगा आप शिव बाबू, हाँ शिव बाबू को हटाओ, ये दो बार हो गए। अब कोई और भी दो बार बने हैं का? अच्छा हेमंत सोरेन एक बार और बन गया, उसके बाद मधुकोड़ा कहे कई बार बना, मधुकोड़ा आज तक मधुकोड़ा कई बार बना, तो यहां जरा क्या लिस्ट देखते जाओ, देखो इंसान वाइज गिन लो, काउंट कर लो, एक दो तीन चार पांच, छठा नंबर आदमी है। अगर पर्सनैलिटी वाइज देखोगे तो कितना मिलेगा डेटा इनको, सिक्स, और उधर से देखोगे तो इलेवन। इतना क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला है। अच्छा फिर से गिना के दिखा, देखो एक दो, इसको कहा हो गया अभी एक दो तीन चार पांच, या तो इसको पांच बोलो या तो इसको पांच बोलो, अगर इसको पांच बोल दिया उसको छह बोलना, अभी तो पांच में ही रह गए फिर। अच्छा चलो हम नाम नाम बोल के सुनाते, छोड़ो, बाबूलाल मरांडी एक, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, रघुवर दास, हेमंत सोरेन, किसका नाम छूट गया? हो गया तो छठे नंबर। अरे वो छोड़ो ना लिस्टिंग का है सो, हम लिस्ट गिनवा रहे हैं आपको, हम क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करके बता रहे हैं, क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछा जाएगा आपसे। अब क्या कीजिए इसके बाद आप? अरे बाबू अगर इसको पांचवा नंबर काउंट करोगे तो ये फिर से पांचवा नंबर पे ही रह जाएंगे, तो ये छठा नंबर हो गया ना फिर, तो अभी पर्सनैलिटी वाइज को कितना दोगे इसको, पांचवा के छठा, अगर पांचवा दोगे तो कहां गायब हो गया फिर? ये छठा इंसान है, मतलब इंसानों का लिस्ट में देखोगे तो छह आदमी हुए पूरे मुख्यमंत्री अभी तक, ये सिक्स नंबर के है फिफ्थ नंबर, इनके बाद इनको सिक्स मिलेगा, लेकिन पूरा अगर देखोगे तो लिस्ट में छह नंबर पे है ना पूरा, ये ऐसे बोलना चाह रहे हम। अब इसके लिए आप कितना जगह छोड़ोगे एक बार देख लो, आपके सामने इतना डेटा लिखना है, एक दो तीन चार, ग्यारह और तीन चौदह, लगभग नहीं नहीं चौदह पंद्रह सोलह सत्रह रो इसके लिए छोड़ दो, इस तरह से 17 रोज हटा दीजिए आप, उतना में काम हो जाएगा आपका, उतना में काम हो जाएगा। और उसके बाद जो लिखवा रहे डेटा सो लिखो, रिलेटेड फैक्ट्स। अब यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। सेवेंटीन रोज काफी, उतना, और अगर किसी को एक एक रोज छोड़ छोड़ के लिखना है तो उसको जस्ट डबल कर दीजिए आप, एक पेज पूरा ही छोड़ दो, एक पेज पूरा ही छोड़ दीजिए आप, ऊपर आप हेडिंग लिख लीजिएगा, हेडिंग लिखे हो ना, लिस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर्स इन झारखंड। अब क्वेश्चन नंबर वन, रिलेटेड फैक्ट्स लिखो, रिलेटेड फैक्ट्स संबंधित तथ्य। नंबर वन, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड बाबूलाल मरांडी, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। डैश देके लिखोगे उसके बाद, डैश देके लिखोगे उसके बाद फ्रॉम रामगढ़ लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी। हम जो लिखवा रहे उसको लिखिए ना, उसके लिए जगह छोड़वा दिए पीडीएफ के लिए, हम रिलेटेड फैक्ट्स है, क्वेश्चन कैसे कैसे निकल सकता है इससे, रिलेटेड फैक्ट्स। अभी ना लग रहा आसान क्वेश्चन, ऐसा सा घुमाया जाएगा आपसे, कंफ्यूज हो जाओगे उसमें फिर। हो गया, रिलेटेड फैक्ट्स में लिखिए आप इसको, बाबूलाल मरांडी फ्रॉम रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी, हिंदी में होगा रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र,
रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र हो गया। आगे लिखे करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, या करंट चीफ मिनिस्टर बस लिख के छोड़ दो। हाँ, पॉइंट नंबर टू, करेंट या प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर, प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर, और डैश देके लिखिएगा आप हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन। हाँ, पार्टी भी लिखवाते हैं, सबका पार्टी, सबका पार्टी बगल में लिख देते हैं अभी हम। हेमंत सोरेन फ्रॉम बरहेट कंस्टिट्यूएंसी, बरहेट, फ्रॉम बरहेट, स्पेलिंग यहां से अगर किसी को दिक्कत हो तो लिख सकते हो, बरहेट कंस्टिट्यूएंसी, फ्रॉम बरहेट कंस्टिट्यूएंसी, फ्रॉम बरहेट कंस्टिट्यूएंसी, बरहेट विधानसभा क्षेत्र से, बरहेट विधानसभा क्षेत्र से, बरहेट विधानसभा क्षेत्र से, फ्रॉम फ्रॉम जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी, जेएमएम हिंदी में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा, अंग्रेजी में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम, जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी। पॉइंट नंबर थ्री, द सीएम, द सीएम हैविंग शॉर्टेस्ट टेन्योर, द सीएम हैविंग शॉर्टेस्ट टेन्योर, मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल सबसे छोटा रहा, मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल सबसे छोटा या सबसे कम रहा। डैश देकर लिखोगे शिबू सोरेन, शिबू सोरेन, शिबू सोरेन, और फिर डैश देकर लिखोगे 2 मार्च, 2 मार्च 2005 टू 12th मार्च, 12th मार्च 2005, 2 मार्च 2005 से लेकर 12 मार्च 2005 तक इनका टेन्योर रहा था। 11 डेज, ब्रैकेट में कर देना 11 डेज। ऐसे पॉइंट वाइज क्वेश्चन को लिखिए, नोट्स कॉपी का मतलब यही होता है, आप पॉइंट वाइज लिखो, छोटा छोटा पॉइंट लिखो, ताकि रिवीजन एक बार करे एक झलक में। देखो नोट्स कॉपी आदमी से क्यों मनवाया जाता है, जहां तक तो मेरा मानना है कि नोट्स कॉपी का यह मकसद होता है, एग्जाम से एक दिन पहले 4-5 घंटे का टाइम मिले, उतना पूरा नोट्स कॉपी का रिवीजन हो जाए। इस तरह से जब पॉइंट बना के लिखोगे तो बहुत आराम से रिवीजन हो जाएगा। एक झलक में देखोगे, अच्छा सबसे कम किसका रहा, हेमंत शिबू सोरेन, कहां से था, कब से कब तक रहा, कितना दिन रहा, खत्म हो गया बात। उतना सेंटेंस बना के लिखने की क्या जरूरत है। आगे लिखिए इसके बाद, द सीएम, द सीएम हैविंग लॉन्गेस्ट टेन्योर, कौन, जेएमएम, जेएमएम, देखो पहले पार्टी एक बार बताते हैं सबका। बाबूलाल मरांडी बीजेपी, पार्टी मेंशन कर लेना खुद से, ब्याह अब अभी इतना कम से कम जान लो, अगर बाद में भी कहीं पूछ दे। अभी तक यहां पे मात्र तीन पार्टी का सरकार बना है आज तक, जेएमएम, बीजेपी और कांग्रेस, नए इंडिपेंडेंट निर्दलीय, वो कोई पार्टी वोटी नहीं होता है, यहां देखोगे कोई पार्टी नहीं होता निर्दलीय, अकेले होता है वो। बाबूलाल मरांडी बीजेपी, अर्जुन मुंडा बीजेपी, शिबू सोरेन जेएमएम, अर्जुन मुंडा बीजेपी, मधु कोड़ा निर्दलीय, इंडिपेंडेंट निर्दलीय विदाउट एनी पार्टी, शिबू सोरेन जेएमएम, शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम, आ जाओ आगे, अर्जुन मुंडा बीजेपी, हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा, और रघुवर दास बीजेपी, हेमंत सोरेन जेएमएम, हो गया। जेएमएम से बनने वाले मुख्यमंत्रियों की संख्या बताइए हमको आप, कौन कौन, बाप बेटा, बस सेंट्रल में माँ बेटा, यहां बाप बेटा, इतना याद रखो, रिलेशन ऐसे जोड़ लो, माँ बेटा बाप बेटा, हो गया खत्म। बीजेपी से बनने वाले मुख्यमंत्रियों की संख्या
तीन कौन कौन? मुंडा मरांडी दास, मुंडा मरांडी दास या मरांडी मुंडा दास, ऐसे समझ लो, मरांडी मुंडा दास और कोई नहीं है। झारखंड के एकमात्र इंसान जो किसी भी ट्राइब से बिलोंग नहीं करता था फिर भी बन गया था सीएम, रघुवर दास, मिस्टर दास, नाम उनका दास था इसलिए रख लिया गया। और तो अगर गुप्ता उप्ता रखते रहे तो नहीं बनने देता इनको, गुप्ता उप्ता टाइटल रखते तो शायद नहीं बनने, सिंह गुप्ता यादव वगैरह को नहीं मिलता है हम मौका जल्दी, थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे लोगों के साथ। चलिए आप आइए आगे। हाँ कहाँ तक लिख लिए थे हम लोग? लॉन्गेस्ट टेन्योर किनके साथ? रघुवर दास, हिंदी इंग्लिश का आंसर लिखोगे रघुवर दास, रघुवर दास, रघुवर दास, टेन्योर लिखिएगा इनका आप। अच्छा हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम, फ्रॉम जमशेदपुर ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी, फ्रॉम जमशेदपुर ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी, हिंदी में लिखोगे आप जमशेदपुर पूर्व या पूर्वी जमशेदपुर विधानसभा क्षेत्र से, पूर्वी जमशेदपुर विधानसभा क्षेत्र से, पूर्वी जमशेदपुर विधानसभा क्षेत्र से। पार्टी का नाम अब क्लियर हो जाएगा, पार्टी क्लियर है ना? जेएमएम से मात्र दो, बीजेपी से तीन और निर्दलीय एक। बाप बेटा जेएमएम, मरांडी मुंडा दास बीजेपी। क्लियर है क्वेश्चन? अब नहीं फंसेगा इसमें कहीं। यहां पे आ जाओ टेन्योर के पास। 28 दिसंबर 2014 टू लेके 29 दिसंबर 2019, 28 दिसंबर 2014 से 29 दिसंबर 2019, 28 दिसंबर 2014 से लेके 29 दिसंबर 2019, ये हो गया रिलेटेड फैक्ट्स इनका, हो गया आगे। अगला पॉइंट, पॉइंट कितना जाएगा इसके बाद, सीरियल नंबर देखो अपना, आगे लिखो। द सीएम, द सीएम हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स, हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स, अर्जुन मुंडा एंड शिबू सोरेन दोनों का नाम होगा। हिंदी में लिखिएगा आप मुख्यमंत्री जिन्होंने सबसे ज्यादा बार, मुख्यमंत्री जिन्होंने सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बने, सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बने कौन कौन? अर्जुन मुंडा थ्री टाइम्स, बगल में लिख देना तीन बार, अर्जुन मुंडा थ्री टाइम्स तीन बार, एंड शिबू सोरेन थ्री टाइम्स। टाइमिंग हाँ, तो वो जो यहां से याद रखोगे ना, तीनों अलग अलग बार, जैसे एक बार रहा यहां पे 12 दिन के लिए, 11 दिन के लिए यहां पर, यहां फिर देखोगे इनका 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक, तो ये तीन वाला नहीं पूछेगा। टेन्योर सबसे ज्यादा पूछने का जगह बनता है फर्स्ट का, लास्ट का, रघुवर दास का पूछ सकता है जो कि ये इकलौता है जो कंप्लीट किया, और एक पूछा जा सकता है इनका मधु कोड़ा का, बस इससे ज्यादा किसी का नहीं पूछता है 2 मार्च से 12 मार्च तक, हो गया फाइनल। अब इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सबसे कम बार कौन बने थे मुख्यमंत्री, नहीं उसमें तो कई लोगों का नाम आएगा, आपसे क्वेश्चन क्यों पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन क्यों पूछा जाएगा, अकेले कोई है नहीं, उसमें बाबूलाल मरांडी का नाम आएगा, उसमें रघुवर दास का नाम आएगा, उसमें मधु कोड़ा का भी तो नाम आएगा, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सबसे कम दिन के लिए मुख्यमंत्री कौन रहे? शिबू सोरेन, वो तो लिखवाए हैं क्वेश्चन हम, नहीं मुख्यमंत्री एक ही बार बने हैं, सबसे कम दिन के लिए बने हैं, ऐसा नहीं क्वेश्चन होगा। हाँ बाबूलाल मरांडी भी लिख सकते हो उसमें। अब आगे लिखो, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स प्रेसिडेंट रूल्स हैव बीन इंपोज्ड इन झारखंड, हाउ मेनी टाइम्स प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट्स रूल झारखंड
गवर्नर रूल नहीं होता, प्रेसिडेंट्स रूल ही होता है वो। हाँ, गवर्नर एज ए मेडिएटर काम कर रहे होते हैं उसमें, प्रेसिडेंट के मेडिएटर से एक अनुमति लेते हैं, एक्सेप्टेंस होने के बाद ही कुछ होगा उनके साथ। हाँ, क्या लिखते तुम लोग अभी? हाउ मेनी टाइम्स प्रेसिडेंट्स रूल हैज बीन इम्पोज्ड इन झारखंड? और हिंदी में लिखोगे, झारखंड में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? कितनी बार लगाया गया? झारखंड में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? आंसर लिखोगे 3 times, 3 बार। तीन बार आंसर लिखोगे, 3 times, 3 बार। और उसके नीचे लिखोगे, अब एक टेबल रेडी करोगे। यहां प्रेसिडेंट रूल टर्म, बगल में लिखोगे गवर्नर, और यहां पे लिस्ट बनाओगे सीएम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। मतलब आपको ये हम बताना चाह रहे हैं कि जब पहली बार गवर्नर रूल या प्रेसिडेंट रूल यहां पे लगा था तो वो कब से कब तक के लिए लगा? उस समय गवर्नर कौन थे जो यहां का शासन देख रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में गया था? और जब प्रेसिडेंट रूल लगा था उसके ठीक पहले सीएम कौन थे? यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब कौन कुर्सी पे थे जिन्होंने कुर्सी वैकेंट किया तो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था? ये लिस्ट आपको अपने से भरना है। अब लिस्ट रेडी कर लिए, पेज बना लिए ना, इतना जगह छोड़ दिए इसके लिए, इसको कंप्लीट करेंगे। अब हिंदी में लिखो, राष्ट्रपति शासन यहां होगा समय अवधि, समय अवधि, यहां लिखोगे राज्यपाल, और यहां लिखोगे मुख्यमंत्री। बड़ा हंसी आ रहा है तो रखे। मुख्यमंत्री चलिए ये हो गया, यहां का काम खत्म। और इससे क्वेश्चन वैसा कुछ नहीं बनने वाला है। चलिए ये आपको लिस्ट मिल जाएगा इसका। अब आगे पॉइंट बनाइए। अब इसके बाद आगे लिस्ट बनाइए, अगला पॉइंट। ये गवर्नर चीफ मिनिस्टर का काम खत्म, आपने फर्स्ट कैबिनेट को देख लिया। अब करंट अफेयर के सेक्शन में लोग देखेंगे कि अभी का कैबिनेट कौन कौन सा है, किसके पास कौन सा डिपार्टमेंट है। अब इसके बाद हम लोग इसमें जो बनाएंगे ये देखेंगे कि झारखंड में जो 81 विधानसभा क्षेत्र है, 81 लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो ये है, ये कहां कहां पे है और वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, साथ ही साथ किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को मिला के कौन सा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया गया है। झारखंड में कितना लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी? 14 है। वो 14 कहां कहां पे, किन किन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है ये देख लेंगे, और किस डिस्ट्रिक्ट में कितना विधानसभा क्षेत्र है ये देखेंगे हम लोग। हेडिंग बनाइए आप, लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ झारखंड, ऑफ झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली, लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, CONSTITUENTIES। ऑफ द झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली। हिंदी में लिखिएगा आप, झारखंड विधानसभा क्षेत्रों की सूची, झारखंड विधानसभा क्षेत्रों की सूची,
और लिस्ट कैसे बनाना है थोड़ा ठहरिएगा, ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, इसमें कुछ ऐड करना हमको अभी। देखिए एक तो बनेगा सीरियल नंबर जो 81 तक जाएगा सीधा, उसके बाद जहां रहेगा कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यहां रहेगा डिस्ट्रिक्ट, ये होगा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, और यहां पे थोड़ा सा जगह खाली छोड़ेंगे, थोड़ा सा जगह खाली छोड़ेंगे। मतलब ये हुआ कि एक पेज का दोनों पेज जरूरत पड़ेगा, एक कॉपी का दोनों पेज का जरूरत पड़ेगा इसके लिए। अब मैं बताता हूं जगह क्यों छोड़वाया जा रहा है। करेंट में जो मेंबर हैं उनका नाम, जैसे राजमहल से जो मेंबर होंगे उनका नाम यहां मेंशन कर देंगे, बोरियो से जो होंगे यहां पे नाम मेंशन करेंगे हम लोग, अभी ये काम करने वाले हैं। इस तरह का लिस्ट बनाओ पहले, इसको भेज देंगे। अच्छा ठीक, तो मतलब टेबल कैसे बनाना है पता चल जाएगा, टेबल हो जाएगा कंप्लीट। कॉन्स्टिट्यूएंसी, बगल में डिस्ट्रिक्ट, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, और बगल में एक नाम लिखने के लिए जगह खाली होगा बस, और ये करंट अफेयर के सेक्शन में पूरा करेंगे हम लोग इसको। इसको का हो जाता है रे, हो जाएगा कंप्लीट। जरा देखिए एक बार देख लेते हैं हम लोग इसको। चलिए ठीक है, इसको लिस्ट भेज देंगे, इसका भी इसको बना लीजिएगा। साहिबगंज सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट आते हैं साहिबगंज में, साहिबगंज में कितना कॉन्स्टिट्यूएंसी, कौन कौन, राजमहल, बोरियो और बरहेट, राजमहल, बोरियो और बरहेट। अब आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन, क्योंकि बरहेट से हमारे सीएम है, तो बरहेट किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बरहेट विधानसभा क्षेत्र किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है बरहेट वाला, तो बरहेट को आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, आ जाइए अब दूसरा नंबर पाकुड़ के पास। पाकुड़ में कितना, पाकुड़ में फिर से तीन, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़ और महेशपुर। लिट्टीपाड़ा, पाकुड़ खुद एक है विधानसभा क्षेत्र, और तीसरा महेशपुर। इसमें से दो रिजर्व है, लिट्टीपाड़ा और महेशपुर रिजर्व है। लिट्टीपाड़ा महेशपुर एसटी के लिए रिजर्व है, झारखंड में 28 रिजर्व है ना एसटी के लिए, तो वहां पर एसटी का रिजर्वेशन भी आपको दिख जाएगा इसमें। आगे देखो, दुमका में एकमात्र विधानसभा क्षेत्र, उसका नाम है शिकारीपाड़ा। जामताड़ा में आ जाओ, कौन है, नाला जामताड़ा में है। अरे दुमका दो जगह कैसे घुस गया फिर इसमें, दुमका में दो जगह कर दी लिस्टिंग, गड़बड़ा कैसे गया फिर ये, और कहीं कुछ पैसा नहीं किए थे हम, नहीं ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत वहीं पे है। अच्छा इसको एक जगह करके लिखिएगा, जब भी इसको लिखिएगा ना तो ये दुमका को यहीं पे लाके डाल देना, इसको शिकारीपाड़ा को यहीं पे लाके डाल देना। जामताड़ा में दो, एक नाला और दूसरा जामताड़ा, जामताड़ा में नाला और जामताड़ा। जरा नाला से कोई फैक्ट बताइए हमको, आप फैक्ट, बाबुल मरांडी नाला से थे, रामगढ़ से थे, नाला से कुछ बताए थे ना, मधुकोड़ा ना, रविंद्रनाथ महतो यहां से थे, नाला विधानसभा क्षेत्र से, और बागुन सुमरई जो पहली बार प्रोटम स्पीकर बने थे वो भी यहीं से थे। तो नाला कहां हो जाता है, जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट में है नाला। आ जाओ दुमका में, दुमका में एक तो आपने देखा अभी शिकारीपाड़ा, तीन और यहां दिखेगा, दुमका, जामा और जरमुंडी, तीन यहां हो जाएगा। देवघर में तीन, मधुपुर, सारथ और देवघर, मधुपुर, सारथ और देवघर। देवघर एससी के लिए रिजर्व है, बाकी दो अनरिजर्व है, जहां पे कुछ नहीं लिखा वो मिलेगा, इसका मतलब समझिए वो अनरिजर्व है, वो बिल्कुल प्लेन है। गोड्डा में तीन, पोरियाहाट, गोड्डा और महगमा। कोडरमा में एक, कोडरमा खुद एक कोडरमा छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, कोडरमा में एक ही है। हजारीबाग में दो, बरकट्ठा और बरही, हजारीबाग और भी मिलेगा, मांडू और हजारीबाग खुद दिखेगा भी, और एक बड़का गांव भी दिखेगा भी हजारीबाग तक। नहीं रुको रुको, हम हजारीबाग को फिर से आगे लिखे होंगे, तो फिर लिखने के बाद पीडीएफ बनाते समय तो ऐसा नहीं हो जाता है कुछ इसके साथ। अच्छा यहां पे थोड़ा सा एरर है, रुको रुको, यहां पे एरर है, ये रामगढ़ में आएगा मांडू, ये टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा इसको समझिएगा, इसलिए बोला था लिखते चलो इसको। देखो इसको यहां मिलाना, ठीक, और
बड़का गांव को कर देना हजारीबाग वाले में, ठीक है। ये एरर है, हजारीबाग तो हजारीबाग में होगा, हजारीबाग हजारीबाग में होगा। देखो ये बरकट्ठा हजारीबाग में ठीक है, बरही हजारीबाग में ठीक है, ठीक। ये टाइपिंग एरर है, इसको ठीक कर लेंगे अगला बार हम। बड़का गांव हजारीबाग में आएगा और ये मांडू जाएगा रामगढ़ के साथ। ये रामगढ़ रामगढ़ के साथ बिल्कुल ठीक है, ये हजारीबाग हजारीबाग के साथ बिल्कुल ठीक है, समझ आ रहा है। हजारीबाग ये डिस्ट्रिक्ट है, ये विधानसभा क्षेत्र है। हाँ तो वही हम बोल रहे हैं ना, इसी को ठीक करना है। जैसे दुमका में ऊपर हुआ था थोड़ा सा, ये टाइपिंग करते समय कुछ कुछ हुआ है, थोड़ा सा है एरर। आ जाओ आगे, चतरा में दो ही है, चतरा और सिमरिया। आ जाओ गिरिडीह के पास, धनवार, बगोदर, जमुआ, गांडे, गिरिडीह और डुमरी। बोकारो में तीन, बोकारो में चार होगा, गोमिया, बेरमो, बोकारो और चंदन क्यारी। बोकारो खुद अपने आप में एक रहेगा, एक बेरमो बगल में है उसका, गोमिया उसके बगल में है और एक चंदन क्यारी। चंदन क्यारी एससी के लिए रिजर्व है, इतना बात याद रखना है इसमें। आ जाओ धनबाद के पास, सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया और टुंडी और एक बाघमारा। धनबाद में छह, सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया, टुंडी और बाघमारा। ईस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में बहरागोड़ा, बहरागोड़ा बरही से बहरागोड़ा झारखंड का सबसे लंबा रोडवेज भी है, सबसे लंबी सड़क मार्ग जो हमारे यहाँ है बरही से बहरागोड़ा है, NH 33 बोलते हैं उसको। बहरागोड़ा घाटशिला एसटी के लिए रिजर्व है ईस्ट सिंहभूम में। पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर ईस्ट, जमशेदपुर वेस्ट, ये सब कुछ मिलेगा आपको ईस्ट सिंहभूम में। जमशेदपुर ईस्ट जहाँ से रघुवर दास रहे, जमशेदपुर वेस्ट पता नहीं उसको कोई इसका रिलेटेड फैक्ट सही नहीं, जमशेदपुर ईस्ट से ही रघुवर दास इस बार हारे भी हैं, ये भी बात याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन। सरायकेला खरसावा में दो, एक ईचागढ़ और दूसरा सरायकेला खुद। वेस्ट सिंहभूम में आ जाओ, चाईबासा एसटी के लिए, मझगावा एसटी के लिए, जगन्नाथपुर एसटी के लिए, मनोहरपुर एसटी के लिए और चक्रधरपुर। सब ये कौन है यहाँ के हैं? सरायकेला खरसावा में मात्र एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है सरायकेला खरसावा, तो उसमें एक ही है। तमाड़ रांची में पड़ता है क्षेत्र, रांची का एक और भी होगा यहाँ पर। तमाड़ के अलावा सिल्ली है यहाँ का, खिजरी है, रांची है, सरायकेला खरसावा ऊपर कहाँ है, अच्छा यहाँ पीचागढ़ और सरायकेला, हाँ यहाँ भी लिखे थे उसको। कौन सी बोल रहे हो? मनोहरपुर वेस्ट सिंहभूम में, वेस्ट सिंहभूम में। आप ऐसे लिखना, हम इसका मीनिंग बताएंगे क्या है। देखो ऐसा क्यों लिखा गया, बस आपको एडिट यहीं पे करना है, ज्यादा दिमाग मत लगाना इसके साथ, फिर गलती कर दोगे सब कुछ। अच्छा लिख लो इसको अभी लिखो फिर। देखो बस आपको ना एडिट बस यहां पे करना, थोड़ा सा एरर एरर बस यहीं पे है। अब हम बता रहे हैं ऐसा क्यों लिखा गया है, कुछ डिस्ट्रिक्ट को ऊपर कुछ डिस्ट्रिक्ट को नीचे क्यों लिखा गया, हम रीजन बता रहे हैं आपको, एरर नहीं मेरा कहीं भी। देखो दिखाते हैं, जैसे आ जाओ आप, जैसे जहां पे 200 दिखा था उसको दिखाते, रांची वाले में दिखाते आपको। देखो रांची को यहां रखा गया, रांची को यहां भी रखा गया, क्यों? रांची के इन चार विधानसभा क्षेत्रों को मिला के खूंटी एक लोकसभा क्षेत्र है, और रांची के इन विधानसभा क्षेत्रों को मिला के रांची एक अलग से लोकसभा क्षेत्र है। ये रीजन है रांची का, कुछ पार्ट ऊपर रखना कुछ पार्ट नीचे रखना, समझ आ रहा है बात, ये रीजन है। चूंकि खूंटी लोकसभा क्षेत्र में रांची के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट है, रांची के भी कुछ विधानसभा क्षेत्र है और खूंटी डिस्ट्रिक्ट के भी कुछ विधानसभा क्षेत्र है। खूंटी का तोरपा और खूंटी दो विधानसभा क्षेत्र और रांची का तमाड़, ये तीनों विधानसभा क्षेत्रों को मिला के और साथ साथ खरसावां को भी मिला के, इन चारों विधानसभा क्षेत्रों को मिला के एक लोकसभा क्षेत्र जनरेट किया गया, वो है खूंटी। ये रीजन है, इसको आप ऐसे ही लिखोगे, बस चेंज करने वाला जगह वो बड़का गांव मांडू में एरर है, वही टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। अब यहां देखो ये जो रांची लोकसभा क्षेत्र है इसमें रांची का ही केवल लोकसभा विधानसभा क्षेत्र मिलेगा, सिल्ली, खिजरी, रांची, हटिया, कांके और मांडर,
इतना कुछ है, मांडर नहीं है। अच्छा मांडर नहीं है, मांडर आएगा लोहरदगा वाले में। तो ये इसी तरह से लिस्ट बनाना जैसे लिस्टिंग किया हुआ है। रांची जिला में है, रांची लोकसभा क्षेत्र में नहीं है। वो रांची लोकसभा क्षेत्र यहीं पे जाकर निपट गया, कांके तक ही वो है। वो ये कांके तक ही है। आगे आ जाओ लोहरदगा के पास अब, तो लोहरदगा में कौन मिलेगा? या एक काम कर सकते हो, इसको अभी एक बार लिख लो, इसको अलग से लिख लेना 14 विधानसभा लोकसभा क्षेत्र को, और उसके सामने डैश दे देकर जिलों का नाम लिख लेना या फिर विधानसभा क्षेत्रों का नाम लिखना। लेकिन ये लिस्ट प्रॉपर काम आता है ज्यादा, एक बार में सब कुछ दिख जाएगा इसमें। चलो ये हो गया यहाँ का काम, अभी लिखोगे तो लिख लो इसको। लेकिन बगल में वैसे भी कर सकते हो, लेकिन लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉन्स्टिट्यूएंसी जरूर बनाना। डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉन्स्टिट्यूएंसी इसलिए बनाया जाता है, अचानक से आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में कितना लोकसभा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी, पूछा जाएगा इस तरह से। क्वेश्चन का पैटर्न दूसरे तरफ से ऐसा पूछा जाता है, लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और ये किसके किसके बारे में पूछा जाएगा? जहां जहां बाई इलेक्शन होता है, जैसे दुमका में बाई इलेक्शन हुआ था, ठीक है, जैसे अभी स्टार्टिंग में रामगढ़ में बाय इलेक्शन हुआ था, तो ये सब क्वेश्चन इसी वही पूछा जाएगा जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, जनरल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कभी इसमें। ये हो गया इतना काम इसमें। एटी वन फोर्टीन, राज्यसभा सिक्स, राज्यसभा सिक्स, बस फिक्स है उतना ही, सिक्स में फिक्स हो गया, वो उससे ज्यादा नहीं है। हाँ, इस 81 को ही मिला के ये 14 बनाया गया है, ये 81 को मिला के 14 बनाया गया है। जैसे देखो आ जाओ तुम जाकर चतरा लोकसभा क्षेत्र में, तो चतरा लोकसभा में चतरा से भी कुछ पड़ता है जगह, और कुछ लातेहार से भी पड़ता है जगह, ना केवल चतरा के लिए। जैसे देखना यहाँ पे चतरा लोकसभा यहाँ पे है, चतरा के बारे में और कुछ है? नहीं, चतरा यहीं पे है। तो चतरा में मनिका लातेहार पांकी, चतरा में मनिका लातेहार यहां से मिलेगा इसको, और चतरा से चतरा और सिमरिया फिर मिलेगा इसको। देखो यहां पे दिखेगा चतरा फिर से तुमको, ये देखो यहां से चतरा में सिमरिया और चतरा फिर मिलेगा। तो चार चार विधानसभा क्षेत्र को मिला के बना के एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया गया, एक लोकसभा क्षेत्र बनाया गया है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अच्छा छोड़ो, ये वाला पार्ट से क्वेश्चन तो अभी तक कभी नहीं पूछा इधर से, क्वेश्चन हमेशा से यही पूछते आया है कौन सा विधानसभा क्षेत्र किस जिले में है, या किस जिले में कितना विधानसभा क्षेत्र है, ये जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इस पर जरूर कमेंट कर लीजिएगा आप। एक बात ये हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? अगर ये क्लियर है तो इसके साथ ही साथ आपका पार्ट वन, पॉलिटी का पार्ट वन मतलब लेजिस्लेचर फाइनल। अब हम लोग पहुंचेंगे इसके बाद एग्जीक्यूटिव के पास। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होगा जी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे हमारे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सीएम होंगे उसके हेड, तो हम लोग सीएम के बारे में देखेंगे। अभी मिनिस्टर में मिनिस्टर का नंबर स्ट्रेंथ कितना हो सकता है, कितने मिनिस्टर्स हो सकते हैं झारखंड विधानसभा में? ओनली 15% झारखंड विधानसभा में, झारखंड विधानसभा में, तो हम झारखंड की बात करेंगे ना अभी, तो झारखंड विधानसभा 15% ही मिनिस्टर बन सकते हैं, यानी कि 12 से ज्यादा लोग मिनिस्टर नहीं हो सकते, इंक्लूडिंग सीएम, इंक्लूडिंग सीएम। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी मिनिस्टर्स कैन बी पॉसिबल इन झारखंड एक्सेप्ट सीएम, सीएम को छोड़कर या एक्सक्लूडिंग सीएम, तो 11। सीएम को इंक्लूड करोगे 12, सीएम को हटा दोगे तो 11, ऐसा क्वेश्चन बन के आता है इसमें। हो गया क्लियर, कोई दिक्कत? और ये 11 के लिए जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कौन से विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल किए, किनके पास कौन सा डिपार्टमेंट करंट में है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखेंगे तो इसके बारे में देखेंगे। देन आएगा यहां पर क्या, ऑफिसर्स के बारे में। देन यहां पे आएगा ऑफिसर्स के बारे में कि ऑफिसर्स का हायरार्की कैसे कैसे चलता है।
हायरार्की कैसे चलता है, मतलब आखिर हम लोग बांटे थे पूरे स्टेट को पहले 5 प्रमंडलों में, उसके बाद 24 जिलों में, उसके बाद 45 कौन हेड कौन।